हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आई एम पुष्पेंद्र आकर वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको एक स्क्वायर निकालने की एक नई ट्रिक लेके आया हूँ फिर से, तो देखिएगा, शुरू करते हैं। जैसे कि आपको निकालना है स्क्वायर 43 का स्क्वायर, तो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल ट्रिक है। इसको आप ऐसे कर लीजिए, बीच में एक डंडा लगा ली बड़ा सा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 09 लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ से 16 लिख देना है। अब करना क्या है, अब इन दोनों का गुणा करना है और 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों का गुणा करना है और 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 कितना होगा, 4 × 12 = 24। तो 24 आप एक नंबर छोड़ के, ये यूनिट नंबर छोड़ के, ये वाला नंबर छोड़ के यहाँ लिख के प्लस कर दो, 9481, तो कितना आंसर आ गया, 1849। जी हाँ, यही आपका आंसर है। चलिए दूसरा को नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मेरे को 65 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सिंपल है। मेरे को क्या लेना है, इस नंबर का ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। फिर क्या करेंगे, दोनों का गुणा करना और 2 का मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 × 2 = 60, तो कितना हो जाएगा, 60। एक नंबर छोड़ के जोड़ देना है, 42 यूं आपका निकल गया आंसर। दूसरा नंबर लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे मैंने 24 ही ले लिया, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 × 2 = 4, करना क्या है, दोनों का गुणा कर देंगे दोनों नंबर का 2 से, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, एक नंबर छोड़ के जोड़ देना है, एक नंबर छोड़ के जोड़ेंगे तो 6, 7 और 5, 576। 24 का आंसर कितना, स्क्वायर कितना आ गया, 576। ये थी आपकी ट्रिक। तब बस वही बात, फिर आप कहेंगे कि सर आपने किसी का वीडियो ये देख के कॉपी कर लिया, ये कर लिया, ट्रिक कॉपी कर ली। तो भाई साहब, ये बेसिक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बेसिक, उसके थ्रू ये पूरा हुआ है। मैंने एक फॉर्मूले को ट्रिक का नाम दे दिया, वरना मैं कर रहे फॉर्मूले से ही रहा हूँ। और वो फॉर्मूला क्या है, आप समझिएगा, ये तो ट्रिक थी, अब इसका बेसिक कंसेप्ट समझिएगा। फॉर्मूला का नाम सुना ही होगा आपने, a + b² क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। और मैं क्या कर रहा था, a का स्क्वायर का इसका स्क्वायर करवा रहा था, b का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करवा रहा था, 4 का स्क्वायर फिर दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा था। तो बेसिकली यही ट्रिक बोली थी मैंने। अब इसको जरा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मैं इसको 20+4 लिखना है। क्या लिखना है, 20+4। कभी भी जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो नियर बाय जीरो होता है उस नंबर को हम लेते हैं, बाकी आप किसी को भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे 20, तो ये a हो गया और ये आपका b हो गया, a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। फिर आपका 2ab, तो 20 × 4 कितना होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 160। और इसके बाद क्या करेंगे हम, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, जोड़ दो 6 कितना हो जाएगा, 7 और 576। तो देखो वही का वही आंसर आया कि नहीं आया। अधिकतर क्या कहते हैं कि सर आपने दूसरे वीडियो को ट्रिक की कॉपी करी है, ये करा है। भाई मैंने कोई कॉपी नहीं करी, फिर से मैं कहूँगा कि 6th, 7th, 8th ये तीन जो क्लास है, 6th, 7th और 8th, इन तीनों क्लास के मैथ्स को, NCERT के मैथ्स को बहुत शानदार तरीके से पढ़ लीजिए, तो आपको जिंदगी में कभी ना ट्रिक की जरूरत पड़ने वाली है और ना ही आपको मैथ्स कभी टफ लगने वाला है। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, किसी की कॉपी नहीं करता मैं। तो आप इस ट्रिक से आप दुनिया में कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इस फॉर्मूले के थ्रू क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है और उसमें भी दोनों का 2ab ऐड कर देना है, दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है और 2ab को ऐड कर देना है, हमेशा आंसर आ जाएगा आपका। तो इफ यू गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।